गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड एब्जॉर्ब्स द प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ₹10 पर मशीन आवर। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2011-12 इट हैज बीन फाउंड दैट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड वर ₹6 लाख। ओके, इट इंक्लूड ₹45,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑफ ऑब्सोलीट स्टोर एंड ₹30,000 बीइंग द वेजेस पेड फॉर द स्ट्राइक पीरियड। मतलब उस पीरियड में प्रोडक्शन नहीं हुआ था। द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिटेल हमारी ये दे रखी है। फिनिश गुड्स हमारा इतना है, WIP हमारा इतना है, सेल्स हमारी इतनी है। द एक्चुअल मशीन आवर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड वर ₹48,000। It has been found that 1/3 of the under absorption of the production was due to lack of production planning and the rest was attributable to the normal increase in cost. So now calculate the amount of under absorption of production overheads and show the treatment of under absorption overheads. तो पहले तो हमें ये निकालना कि हमारे under absorption overheads हैं कितने, फिर उनके हम treatment की बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है जी, आप लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं। ये हमारे हैं 6 लाख के। इसमें से माइनस कर दें जो हमने स्टोर को ऑफ राइट ऑफ कर दिया है और जो स्ट्राइक पीरियड की वेजेस हैं वो भी माइनस कर दें। ये हमारे 5,25,000 आए प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है जी, ये जो एक्चुअल इनकर्ड हुए हैं। अब इसमें से हम माइनस करेंगे एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं हमारे। हमारे 48,000 मशीन आवर्स हैं और ₹10 पर आवर के हिसाब से 4,80,000 हमने एब्जॉर्ब किए हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे 45,000। ठीक है जी, ये हमारे अब अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए। ठीक है, ये 45,000। अब है दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। अब है ट्रीटमेंट क्या करना है इनका। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि जो 1/3 है वो तो फॉल्टी प्लानिंग की वजह से, 1/3 ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो 45,000 का 1/3 ये तो हो गए 15,000, ये कॉस्टिंग P&L में चले जाएंगे। बैलेंस जो है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स एंड WIP अकाउंट यूजिंग सप्लीमेंट्री
अब जो 30,000 हैं उनको हम सप्लीमेंट्री रेट से यूज करेंगे, ठीक है जी। तो अब हमें निकालना है सप्लीमेंट्री रेट। तो थर्ड है वर्किंग नोट सप्लीमेंट्री रेट के लिए, ठीक है जी। सप्लीमेंट्री रेट हमें निकालना है, सो दैट सप्लीमेंट्री रेट अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज 30,000 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, उसमें लिख दें 100% कंप्लीट। फिनिश गुड्स की तो 20,000 हैं और WIP की हो जाएंगी 4,000। इन्होंने बोला था 8,000 50% कंप्लीट हैं या 4,000 आपकी 100% कंप्लीट हैं। तो सप्लीमेंट्री रेट जो आएगा वो आएगा 1.25 रुपये पर यूनिट, ठीक है जी। अब नंबर फोर्थ है वो है एलोकेशन ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारी 18,000 यूनिट है, 1.25 रुपये से ये होता है 22,500। फिनिश गुड्स में अब हमारे पास 2,000 यूनिट बची, ये हुआ 2,500। और WIP में 8,000 50% कंप्लीट हैं तो या फिनिश गुड्स के बराबर हुई 4,000 यूनिट, तो ये हो गया हमारा 5,000। तो ये टोटल 30,000 हम ऐसे बांट देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।